आइए एक रामायण का प्रसंग, अनोखी कहानी। मुझे मालूम है कि इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से नीतूराज के आगमन पहली बार ना, कम से कम 50 दंगल लाल जी लहरी साहब के साथ मैंने गाया यहाँ से प्रतापगढ़ कुंडा प्रयागराज नैनी कौशाम्बी तक मैंने गाया कि कोई नई बात नहीं है कि आज पहली बार हम आए हैं। हाँ ये सच्चाई है कि आपका मंच मुझे पहली बार मिला है। आइए 20-25 मिनट में एक ऐसी रामायण की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। होली आप लोगों के सुना देव सवेरे, ऐसी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं रामायण महाभारत। आज के लोग कुछ लोगों के महकत है, लेकिन सच्चाई है, सुनी सुनाई कहानी कोई भी गाएगा तो रामायण महकी ना बस आई। लेकिन ऐसी कहानी यहाँ के लोग बैठे गए जहाँ के लोग बिरहा के पारखी है, अनोखी कहानी है और रामायण से, लेकिन कहानी अनोखी है। चार लाइन भूमिका में भाव है, बिरहा का शीर्षक मिली त्याग। ज्योति उजाला प्रयागराज की बड़ी ही सुंदर गायिका है, ज्योति उजाला जी की ओर से पुरस्कार है। मालिक आपके बना के रखे, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लगे, सब भैया लोगन के प्रणाम हो। त्याग जरूरी है, त्याग जिसने किया उसने इतिहास बनाया, चाहे देश के लिए हमारे फौजी लो इतिहास जिन्होंने त्याग किया अपने देश खातिर, चाहे गांव का प्रधान हो अपनी गांव सभा के लिए त्याग करता है, चाहे परिवार का मुखिया हो अपने परिवार के लिए त्याग करता है। त्याग जरूरी है, जिसने त्याग किया उसने इतिहास बनाया। मास्टर चार लाइन भूमिका में त्याग का परिभाषा लिखल गई। त्याग का मान होता प्रबल साथियों, त्याग के मर्म को कोई समझेगा त्यागी, त्याग जो भी किया वो अमर हो गया, है लुटाया समुल परी लगाया न दागी, त्याग बलिदान लाखों जहां में हुए, कुछ सराहे गए कुछ को कहते हैं बागी, त्याग के मूर्तियों की कहानी सुने सियाराम यत्राति को बाजी लागी। त्याग के मूर्तियों की कहानी सुने सियाराम एक रात को बाजी लागी, कब लगल कैसे लगल कहां लगल, एक लाइन कव्वाली भी लगल। कव्वाली है, अरे करबला चलो हो करबला चलो चलो करबला चलो करबला चलो। अयोध्या में घटना घट गई, का घटना घटल मास्टर, अवध में राति को हो अवध में राति घटना घटी विख्यात है मास्टर नजम खलाई रावा।
तो बताने लगी थी। ये बाबूजी नवीन वस्त्रालय बीरभानपुर की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार एक आठ वस्त्र भी दे दा भैया। अरे वस्त्रालय है आपकी, इतनी बड़ी दुकान है तो एक आध वस्त्र दोनों कलाकारों को दे दीजिए, मालिक उसका कई गुना आपको देगा खुशी से। कोनो बात ना भैया के पढ़ाम का करवा भैया, रोज घूम घूम के मांगत मांगत मुंह खुल गल हो। हमान देवे का करल जी, खाली मांगल जात घूम घूम के। पंधारी अखाड़े से बड़े भैया, बड़े सुंदर कलाकार कंचन लाल यादव जी, प्रयागराज 101 रुपए का पुरस्कार है। भाई के नमस्ते पढ़ाम, सब भैया लोग के पढ़ाम बा। ए भैया इधर 13 साल से अधिक बीत गल, राम के जंगल गई ले, अयोध्या में घटना घटल, रात का टाइम, सब सूतल अपने शयन कक्ष में घोर निद्रा में, अचानक राम के मतारी कौशल्या का नींद खुल गई। दाई के कली किया देख तो कौने का तनी राती का पायल छम 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 बजत हरे। तई पता लगाओ, राजमहल की दाई जब पता लगा करके महल में पता लगाते लगाते राजमहल के छत पर पहुंची, का भैया बाजा तो फरियात ना है भैया, हम मालूम पड़ते जिसे अंधारे मन तो वो थी। तैसे घूम के आप अपन बजवा तैसे देख लो जा भैया, वो सही कहत हुआ। हम लोगन के भी ताव घाट ना मिले थे लेकिन अब करल का जाए, आप लोगन का व्यवस्था बा भाई, हम लोग का कह सकीला। चला हम तो मेहनत उतने करब गौर करेंगे। जब राजमहल की दाई पता लगाते लगाते छत पर गई तो शत्रुघ्न का दुल्हन स्वित कीर्ति छतवा पे टहरत रली। आके कलश की हे माई द्वार सबसे छोटकी पतो स्वित कीर्ति छतवा पर टहरत, वो नहीं का पायल बजतबा, पायल बजतबा स्वित कीर्ति का इतनी रात का गईलिन कौशल्या कलिए, बहू तुम छत पर टहल रही हो, मेरा बेटा शत्रुघ्न कहाँ है। इतना बात कौशल्या कहली स्वित कीर्ति की आंख से झरझर झरझर आंस चले लगल बाबू। रो रही है स्वित कीर्ति, बिरहा में क्लाइंट भोजपुरी गीत लगल मास्टर। ये गीत बा गजबे के रूह गजब के रूप तुहारी गजब सुरतिया तू गजब के रूप तुहारी गजब सुरतिया तू पागल ना हो गोरी सबके एवं फास्ट फूड बेकर्स बीरभानपुर चौराहा से राम सजीवन मोदनवाल आपके तरफ से पुरस्कार बा भैया के प्रणाम हो, लेकिन भाव भी रहा भैया। आसुना रूप के बहू सासू से अपने बतावे हो सुना रू के बहू सासू से अपने बता रही हो माई माई तू हमसे अरे जही दिन से भैया भाभी दिन से घर ना आईले सजनवा कहीं दिन से घर ना आईले सजनवा
दिन भर आप लोगन का सेवा करीला, रात कहीं छतवा पर ठहर के अपने स्वामी की याद के रतिया काट लेला। कौशल्या के तन बदन में आग लग गई बाबू की, मेरा शत्रुघ्न मेरी बहू को महल में छोड़कर अकेला आखिर है कहाँ। कली की वह नंदी ग्राम जहाँ भरत भैया राजमहल छोड़ के गए, हुआ जमीन से एक फीट नीचे गढ़ा बना के कूस के असल लगा के वही राम का इंतजार करत हुआ राम भैया का। बगी हमार स्वामी भरत भैया का पहरेदारी करत हो, कौशल्या तुरंत पालकी मंगाती है लेके अपने बहु स्वीत कीर्ति के नंदी ग्राम कर रवानगी कैली। बिरहा में रामदेव गुरु का तर्ज लगल मगा। गवैया गवैयन पर कटकटा कटकटा के चढ़े फेकू। आपका गवैया ना चढ़ पाओ का बिरहावा में हो, बिरहा पर चढ़े गवैया गवैया पर न चढ़े, लेकिन आजकल का गवैया गवैया पे चढ़त हुआ बिरहा से मतलब नहीं बा। राकेश भैया तो के नहीं कहती भैया हो, कुछ गवैया हुआ ऐसा एक आध गवैया तो प्रयागराज में भी ऐसा हुआ की पूछबा मत करा, मुहवे नोच ली हम, मुंह मत नोचा गवैयन के दिल जीता, गवैयन के मुंह नोचले गवैया न बनबा। भैया हमरे सत्यम सरकार बनारस मड़ुआडी से एक रुपया पुरस्कार बा भाई के नमस्ते प्रणाम सब भैया लोगन के प्रणाम हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु ये गीत के गावे तो बुल्लू उस्ताद उठे तो जवाब दे का गावे रामदेव गुरु हवा। बरिया मुश्किल भजीना, अरे तेरी गली में, अरे तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली में, तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली में मजा हो, मजा हो, मजा करो वही बुल्लू उस्ताद यही नक नका के बोल कहा सुना। हमारा नाम बुल्लू है, चंपली ने शहर के उठे को मौका ना दे हली, बनारसी दाव लगा हुआ है का गाँव है तनी हवा यहाँ कहा हो निकल कोलू शमीन, अरे त्यूरी गली में आया चापत हुआ, अरे त्यूरी गली, त्यूरी गली, त्यूरी गली में, अरे त्यूरी गली, त्यूरी गली, त्यूरी गली में चापत 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 भगवान वही चापन। लेकिन बिरहा में भाव अवा। और बड़े भैया दिलीप यादव जी बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार है, लैलापुर की धरती से 101 रुपया भाई के प्रणाम बा, और 51 रुपए का पुरस्कार इस भाव पर। राजेंद्र कुमार मिश्र चेला गुरु चैनल से
जय मलपुर। हम कई चैनल से कहा भैया, चैनल वाले भी कमात हुआ लोगन ठीक ठाक, केवन केवन चैनल वाला हूँ, अपन अपन परिचय ज्यादा ना 5500 रुपया दे के करा दो। हम तो जानी की 1000 का है वाली, 1000 वाली बंद हो गई यार। एक आदमी देला उमर देखा, अगर लोगन दे दे बात तब तो लोगन का गाना कभी जाई नहीं तो न जाई। ये गवैयन का शराब ना है, आशीर्वाद है। अब भाव लगल बिरहा में भैया के पढ़ा मा बोली कौशल्या रानी, अरे चला चली ना, अरे चला चली चला चली चला चली ना, अरे चला चली चला चली चला चली ना, हो कहा भरती शत्रु घनी बने प्रहारी, माई के देखता नजर गई निछाई, हथौड़ी कराया दबाहनी, चला चली चला चली चला चली नारका शर्मा हीरो हुंडा से। अच्छा था इसे कहा ना हम कई एजेंसी हीरो हुंडा कौन कर है ना, तब एजेंसी आरआर के नाम पर है भैया का हीरो हुंडा एजेंसी है। का नाम बतूला हम, अनिल शर्मा जी। तई कम है भैया, एजेंसी वाले 100 रुपया दे के अपन नाम मत खराब करें। वाह ना होगा तो पैसा तो गेहूं चाउर लिया के भैया, बहुत बहुत पढ़ाओ में 101 रुपया का पुरस्कार। अवधेश मणि यादव कराठी जौनपुर से बहुत अच्छे गायक कलाकार है, 101 रुपया भैया पढ़ाम हो। कौशल्या लेके नंदीग्राम पहुंच गए स्वीत कीर्ति के, वहाँ भरत सुतल व शत्रुघ्न पहरेदारी करत हुआ, जाए के कौशल्या कले शत्रुघ्न, अरे मेरी बहू को अकेला महल में छोड़ कर तेरी हिम्मत कैसे हुई नंदीग्राम आने की, बेटे को डांट रही है। शत्रुघ्न कलन की है माई, हम चली ली गलती ना कैले ही, गलती इतना कैले कि तो से पूछली ना आदेश ना ले ली, मेरा कसूर बस इतना ही माँ। लेकिन कहती है कौशल्या का कली तनी ध्यान दिया टेरी से भाव, अरे लला नवा ना ही अइला घरवा, अरे लला नवा ना ही अइला घरवा, तुहरे याद में तड़प स्वीत की थी जन्मवा, अरे जन्मवा अरे जन्मवा, कहा ललनवा नाही अइला घरवा, तुहरे याद में तड़प स्वीत की थी जन्मवा, हो ललनवा नाही अइला घरवा। अरे बाप रे बाप, शत्रुघ्न कलन की हे माई एक लाइन हमहू के कुछ बोले दे, तू हमहू का बोल, बोल सखीला आदेश हो, बोल पड़ी कौशल्या क्या कहना चाहता है, क्या कहने के लिए बाकी है बोल। अब बोल पड़लन शत्रुघ्न माई कौशल्या से, का कहलन बड़ी ऊंची बात कहलन, हर साथ में उनके लखन लाल जी, हर बहुत बड़े बैरागी है, हर त्याग करेगा क्या कोई ऐसा, है
जागी है बा होड़ लगी है हमें न रोको समझ लो बाजी लागी है बा। बहुल पड़े शत्रुघ्न की माँ मैं उस खानदान का बेटा हूँ जिस खानदान का एक बेटा अनुरागी बड़े भैया श्री रामचंद्र एक बैरागी बड़े भैया लक्ष्मण और एक त्यागी भरत लाल जी त्याग की साक्षात मूर्ति तेरे सामने तो जब एक भाई अनुरागी एक बैरागी एक त्यागी तो क्या चाहती है ये शत्रुघ्न ही भोगी बन जाए नहीं माँ नहीं इतना बड़ा अनर्थ यह शत्रुघ्न कदापि नहीं करेगा मैं यही चाहती है कि अपनी पत्नी के साथ राजमहल में भोग विलास में लुप्त हो जाओ ना माँ ना इतना बड़ा अनर्थ यह शत्रुघ्न कभी नहीं करेगा इसीलिए मैं चला आया भाई की पहरेदारी सेवादारी करने के लिए कौशल्या का बात अभी शत्रुघ्न से होत बा स्वित कीर्ति के लेके ध्यान रहे बिरहा में लेकिन तब तक एक घटना घट जाती है बाबू जी एक 51 रुपए का पुरस्कार काली खलक कवि जी जय का हारमोनियम वादक बहुत ही अच्छे हारमोनियम वादक भैया हमारे धीरज पाल जी बड़े सुंदर बिरहा में हारमोनियम बजाते हैं आपकी तरफ से पुरस्कार बा अच्छा गायिका नीलम राज है उनके साथ आप संगत करते हैं आपकी तरफ से पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद और पटेल आर्केस्ट्रा डीजे डांस भाई बीरभानपुर चौराहा भरत लाल पटेल जी पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है लेकिन ध्यान रहे बाबू जी ऊपर कम कराता जन जना हेलो सीटी न दे तनी से के कम करा देखो सीटी दे तो फरिया के आदमी की कहानी समझ में आ जा यही जगह भाई कौशल्या का बात शत्रुघ्न से होत बा स्वित कीर्ति के लेके लास्ट में जो एक्स्ट्रा आवाज निकला था सीटी होके बंद कर दा भैया और तब तक घटना घटी क्या घटना घटी बिरहा में गीत बदल गई मास्टर गाड़ी भी आप लोग सुनेला पैसा भी देला वो गाड़ी सुनले का गाड़ी गौले का माता बहिन के पैसा मिलला गाड़ी मार वाली ना गाड़ी पैसा वाली हो जेकर मन करी दे सकला का गावेली आवा मोरे पीछा वारा वाए मोरे पीछा वारा वाए का अरे छी छी ली गड़िया महाराजा वारे मगर राजा वारे फुलवा की लेला पहचाना संतु का बहिनिया महर जावारे महर जावारे लोहता गोरा भरा ही जा पैसा मिली तो दूल्हा भाव लगल भी रहा के अंदर अब ही इतना बात होत बा लेकिन भइल का मास्टर अरे होत रहली बतिया तबले अरे या ये लिया फतिया वही बात पिया रे मैं बात पिया रे फूटी लेके चाले हालू We'll be right back.
ऊपर आकाश मार्ग पर देखत हुवन की हाथ के हथेली पर धौलागिरी पर्वत, विशाल धौलागिरी पर्वत लेके हनुमान जात हुआ आकाश मार्ग से। सोचा लगलन कि अरे ये आकाश मार्ग से आखिर जात के है इतना विशाल, हाथ के हथेली पर पर्वत पहाड़ लेके जात बा, आखिर हो के भाई का भरत सोच मनवा होई है, अरे जंगल में भी रनवा वही बखिया रे, वही बखिया खींच के चला ही दिहले पार, बखिया रे चला ही दिहले। समाचार बतावा हनुमान पीछे से डलवा दुकान का दुकान पर पूरा दुनिया डाके से डाल ले तू पाछे से इनकर बुढ़ौती में ही दशा है राकेश। जब जवान रहे हो तो एक नाड़ा खोहा छोरे नाई हुई है, मारे हुई अनुकूल घसा घस घसा घस पलेन हो गा हो। बतिया तू कैसे जाना था माली उनकर चाल देख के, उनकर सहूर देख के, बियानवा जब रखा बांध के तब न जाना लू। वाह बारे चालू सरदार पान वाले, बारे चालू सरदार पान वाले, दस ठे पान लिया के तनी देदा हमारे पार्टी वालन के, धन्यवाद। आवा इधर देखे बाबूजी, तुरंत जब ये तनी बात कौशल्या कली की बतावा हनुमान हमार जंगल में राम लक्ष्मण सीता कैसे हुवन, तब हनुमान बतावे शुरू कैलन। रो पड़े हनुमान और रो करके कहलन, का कहलन आवा कौशल्या माई सुना भारत भाई हो, सुना भारत भाई हो, बहते सुबह समाचार जी सीता रावण ले गईले वो नहीं से रन हो भैले, वो नहीं से रन हो भैले, मरले माल इंद्र जीत का गली लाखन के छाती रोवरा मछछो पाती, रोवरा मछछो पाती राती राती होई उपा चार जी रोवला हनुमान लागना बच है प्राणा, लागना बच है प्राणा करके हनुमान माँ कौशल्या से कहने लगे कि हे माई तुहार परिवार बड़ा संकट के दौर से गुजरत बा, लंका का राजा रावण सीता माता के छल बल पूर्वक लंका लेके गयल हुआ अशोक वाटिका में रखले हुवन, दुनिया का मालिक हमार प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कैलन, जोने का नतीजा निकल लक्ष्मण भैया के छाती पे शक्ति बाण इंद्रजीत मार दिले है, और हमके आदेश भइल संजीवनी बूटी ले जाए का समझ में ना आयल बूटी कवन है, ताई धौलागिरी पर्वतवे पहाड़े उठा के लेके जात रही है, लेकिन बारे भरत भैया बाण मार के नीचे गिरा देले हुआ राते रात हमें ये संजीवनी बूटी लेके लंका पहुंचे के रहल है, लेकिन बाण मार के भरत भैया नीचे गिरा देले हुआ अब हम जीवन में लंका रातों रात न पहुंच पाई, लक्ष्मण मर जाई है, दुनिया का कोनो शक्ति अब लक्ष्मण के बचा ना सकले। बोल पड़ी कौशल्या, हे हनुमान का कहला है
हमार लक्ष्मण मरे वाला हुआ तो एक संदेश हमारे राम से कौशल्या के जाय के कह दिया, हिल जाएंगे अपने स्थान से बारे माता कौशल्या, अपने ही बेटे राम को ऐसा संदेश आखिर क्यों देती है? का कह लिया वा? अरे कौशल्या कपि से कहे लगल ते ही और बड़े रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम हो, लेकिन के खेना है क्या जाके हमारे राम से तू जाके हमारे राम से तू कह दी संदेश की है देहली खाने मत जाना, ये तुम्हारी माँ कौशल्या का संदेश है, आदेश है, कह रहा हूँ कि लक्ष्मण मरने वाला है, तू ये संदेश जाके कह देना मेरे उस राम से। कहला कि अरे माई संदेश अपने प्रभु राम से हम कैसे कब कली कहे के पड़ी। तब तक सुमित्रा राम का दूसर की मतारी हनुमान के बोला के कली कि ये हनुमान जवन संदेश दीदी कहली है कहे बदे हमारे राम से, उस संदेश हमारे राम से तू मत कहिया। कलिन की तब कलिन की जाए के कह दिया राम से, अगर लक्ष्मण मर जी है लंका के लड़ाई में, अगर मर जी है तो इस सुमित्रा तुहार मतारी दू बेटवन का मतारी है, मर जाएगा मेरा लक्ष्मण तो भेज दूंगी शत्रुघ्न को लड़ने के लिए। लेकिन है राम अयोध्या की नाक मत कटाना, अयोध्या की मर्यादा को मत जाने देना, भेज दूंगी मैं अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को लड़ने के लिए, ये संदेश जाके राम से कहना, कौशल्या दीदी का संदेश मत कहना। हनुमान अवाक हो गई कि कौशल्या का कही संदेश कि सुमित्रा का कही, तब तक राम कती सर की मतारी कह के ही आई गई, कह के ही का कहली मास्टर आल्हा में भाव। अरे तबले तबले तयाई गईली कह के मतरिया पंचो, हार जाए
कलंक कह के ही के सर पर लग चुका है कि राम को 14 बरस का जंगल देने वाली यही कह के ही है। अगर उसी जंगल में लक्ष्मण मर जाएगा, लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा, तो दूसरा कलंक हमारी कपारे लग जाई बेटा। भरत कलंक की माई कहल का चाहता हूँ कले की जेके मार के नीचे गिरौले हुआ, वही हनुमान के धौलागिरी पर्वत समेत अपने तीर पर बैठा के लंका पहुंचा दा। कला भरत लाल की हे माई, हनुमान से तेज तीव्र हमार तीर जाई का कलिन की। हाँ बेटा, भरत बाहुबल होए, भरत बाहुबल होए, खींच लिया तरकस से बाण। भरत लाल जी चढ़ा दलो धनुष पर, कला की हे हनुमान धौलागिरी पर्वत समेत हमारे तिरिया पर विराजमान हो जा। धौलागिरी पर्वत समेत जैसे ही हनुमान तिरिया पर दुमुच के बैठत, वन की तिरिया टूट जाए। लेकिन बाह तीर टस से मसना भइल भरत लाल का एकदम खड़ी है। तब तक बगल में खड़ी लक्ष्मण की दुल्हन उर्मिला ठट्ठा मार के हंसे लगलिन बाबू। आ जब उर्मिला हंसे लगलिन तब शंका हो गई हनुमान के, बिरहा के आखिरी पॉइंट खड़ी के भाव अंश पटेल 101 रुपए का पुरस्कार भैया के प्रणाम, आप सब लोगन के नमन। और 51 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मी मेडिकल स्टोर बिरभानपुर चौराहा सिकंदरा रोड, भैया अमित कुमार पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के, बहुत सुंदर इनकर मेडिकल स्टोर बा, अब बहुत अच्छा जानकार भी हुआ, साक्षात प्रमाण मैं हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है आखिरी भाव, कि बैठा तीर अरे भरत जी करे लज्जबारी, हसली हुर मिला गुजरिया ठाठा के हो। हंसने लगी उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, बोल पड़े हनुमान की, है देवी मैंने सुना है कि तू सती है, और कैसी सती के जिसका पति मरने वाला के वह पत्नी हंस रही है, तेरे हंसने का रीजन क्या के देवी, कृपा करके बताने का कष्ट करो। बोल पड़ी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ऐ हनुमान अगर मैं सती हूँ तो आप विद्वान के मेरे हंसने का कारण नहीं समझ में आया। कलन की देवी टाइम ना बतावे का कष्ट करा। बोल पड़ी उर्मिला की मैं हंसी हूँ, और क्यों हंस रही हूँ सुन लीजिए, कहना है अरे तो है कहला सैया हमार, राम जे क्या गोदी हो, तयास्त्र नाही कवनो जवन गोद उनकर बेधी हो, लीला धारे हम लीला कह के आई हम वापस नगरी, हसल उर्मिला गुजरिया ठठक। भैया हाँ ले जा दारू पी लिया, मेहनत कैले हुआ का कला खा लिया मारम ना निहूर जाई बा, बहुत बोला ला वो लड़का एकदम नशानी से द अपने मती सबके समझो तो बीजे जाए दा। ए भैया बोल पड़ी कौशल्या कलिन की, सॉरी उर्मिला कलिन की, एक हनुमान सती तहम है ये खिला, तो के शंका तय अजमायला, और जहाँ तक रहल सवाल हम हंसत हिला काके हंसत हिला, अब ही तो ही कला कि नारायण की गोद में हमारे पति का सर है, स्वयं नारायण लेके दुनिया का मालिक अपने गोदिया में हमारे स्वामी के लेके रोवत हुआ। हंसली यही बदे कि जब तक नारायण के गोदिया में हमारे स्वामी जी रही हा, तब तक काल बाल बाका न कह पाई हमारे पति का, यही लिए हंसली है। और इतना ना जहाँ तक सतीत्व पर सवाल उठूला है, कान खोल के सुन ला हनुमान, एक रात का बात करत हुआ कि सवेर हो जाए सूर्य उदय हो जाए तो हमार स्वामी मर जाए। अगर इस सती उर्मिला के सतीत्व को आजमाना चाहते हो हनुमान, तो एक रात नहीं चार छह महीना कराते, अयोध्या में नंदीग्राम बिताला जईबा मत करा। यह सती उर्मिला
कि हम ही सती उर्मिला हैला। हनुमान प्रणाम करे लगलन देवी सती उर्मिला के, माई कौशल्या के, भरत लाल शत्रुघ्न कैकेयी सुमित्रा सबके प्रणाम करे लगलन, कलन कि जहाँ इतने लोगों का त्याग है वही तो प्रभु राम भगवान बन गए। आए थे हम इंसान बन करके, लेकिन जब दुनिया का मालिक के दुनिया से जाए लगलन तब भगवान बन के गयलन। यह कारण रहल परिवार में 10 सदस्य होता है, एक कोई कमाता है, 9 लोग बैठ कर खाते हैं। कमाने वाला कभी ना सोचे कि 9 फालतू हुआ, जे हिला से हम ही हिला। नहीं बाबूजी, उनका भी अपने परिवार के प्रति कुछ त्याग होता है, ये लिए दुनिया का मालिक भगवान बन के गई ना। कहानी यही खत्म, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी, अरे विश्वनाथ के मन में ललनवा नाही आइला घरवा, नीतू सिया राम का ऐसा को लगनवा ललनवा।